हेलो गाइस, टेक ऑर्डर ब्रेकर में आपका स्वागत है। बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, भाई अपनी कलेक्शन दिखा दे, अपनी कलेक्शन दिखा दे। तो आज मैं आप सबको कलेक्शन दिखाने वाला हूं। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर M4A1 की, जिसमें मुझे दो स्किन मिले हैं। एक तो थीम है जो कि लाइट पास का है, दूसरा है M4A1 आइस ब्लू डबल डैमेज, जो कि 28 डेज लॉगिन रिवार्ड में मिला था परमानेंट। फिर उसके बाद करते हैं बात एडोलियम की। एडोलियम की दो स्किनें, एक तो थीम है जो कि लाइट पास की है, दूसरा डबल रेट ऑफ फायर और मैगजीन प्लस है, ये वेपन रॉयल में मिला था मुझे। फिर बात करते हैं M1014 की, जो कि मेरा फेवरेट गन है फ्री फायर में। यहाँ मैंने इसको ये इनक्यूबेटर से मिला लिया था। फिर बात जो कि रेट ऑफ फायर प्लस है और रेंज डबल है। फिर यहाँ पर ये वाला है जो कि रेंज डबल है इसमें। और उसके बाद है शार्क अटैक वाला, जिसमें एक्यूरेसी डबल है। उसके बाद है M4A1 आइस ब्लू, जिसमें डबल डैमेज है। फिर बात करते हैं AK की। ये AK तो सबने लिया था स्टोन से। दूसरा है मेरे पास जो कि मैं चलाता हूँ, फ्लेमिंग AK, जिसका डबल डैमेज है और रेंज प्लस है। ये मुझे मिला था वेपन रॉयल से। ये भी मिला था वेपर रॉयल से, वैलेंटाइन्स वाला, जिसमें डैमेज प्लस है और एक्यूरेसी डबल है। फिर यहाँ पर है मुझे बम्बल बी वाला, जिसमें डबल डैमेज है। उसके बाद है एम्पीरियल रोम, जिसमें डबल डैमेज है। ये और बम्बल बी सेम है, बस एक्यूरेसी का फ़र्क है, एक्यूरेसी और रेंज का फ़र्क है। फिर बात करते हैं UMP की। UMP की दो स्किन है यहाँ पर, एक तो रेट ऑफ फायर डबल वाली, दूसरी है डैमेज डबल वाली और रेंज प्लस। MP5 यहाँ पर एक स्किन है जिसमें एक्यूरेसी डबल है। तो डेजर्ट ईगल G118 ये सब पता ही है। M14 की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पावरफुल वेपन जो कि फ्री फायर में है M14 लिवली बीस्ट, जिसका डबल रेट ऑफ फायर है, ये मुझे मिला है वेपन रॉयल से। उसके बाद है हॉरिजन वाला, जिसमें डबल डैमेज है, इसमें रेट ऑफ फायर नहीं है। फिर बात करते हैं स्कार की। स्कार मुझे मिला है जो कि रिसेंटली हमें मिला था 28 सेकंड के लिए परमानेंट, इसमें रेट ऑफ फायर प्लस है, जो कि बहुत बढ़िया स्कार है। उसके बाद है शार्क वाला, ये भी मिला था 28 डेज सेकंड में वो, और ये है वेपन रॉयल में मिला था एक्यूरेसी डबल वाला। फिर बात करते हैं VSS की। VSS भी बहुत ही पावरफुल है, इसमें डबल डैमेज है। जब इसमें रिपिड बुलेट लगाते हैं तो बंदा टिक ही नहीं पाता है, बस 5 शॉट लगता है बंदा ख़त्म यहाँ पर। और दूसरा है इसका ये थीम वाला। ग्रोजा की बात करते हैं, ग्रोजा में रेंज डबल है मुझे, ये भी मिला था वेपर ऑयल से। फिर बात करते हैं MP40 की। यहाँ पर पावरफुल MP40 है, जो कि M40 मैकेनिकल MP40 है, जिसमें डबल डैमेज और रेंज प्लस है। उसके बाद है थीम वाला, उसके बाद है रेट ऑफ डबल वाला विंटरलैंड, जो कि सबको मिला था 28 डेज चैकिंग में। फिर पेन की बात करते हैं, ये वाला तो वॉचर से लिया है, ये तो लाइट पास का है, और ये वाला इवेंट का है। प्रांग की बात करते हैं, ये वाला इवेंट का है और ये है एलाइट पास का। यहाँ पर बात करते हैं SKS की। तो SKS भी सबसे पावरफुल वाला है, जिसका नाम है अर्बन रेगर, जिसमें डबल रेट ऑफ फायर है, जो कि बंदे को टिकने नहीं देता है, ग्लूवाल भी डालने नहीं देता, इतना खतरनाक वेपन है ये वाला। बहुत ही डैमेज देता है, 80 तक डैमेज देता है, 50-80 डैमेज देता है मिड रेंज में। फिर बात करते हैं M249, ये भी पावरफुल वाला है, जिसमें रेट ऑफ डबल है, ये हवा में चलता है, हवा में बातें करता है, इतना तेज़ चलता है ये। फिर ये वाला तो थीम है लाइट पास का। कार 98 के का ये रेंज डबल, ये मैं चलाता ही नहीं हूँ वैसे भी, बेकार है। M79 का डबल मैगजीन है। फार्मस की बात करते हैं, फार्मस यहाँ पर डैमेज प्लस और एक्यूरेसी डबल। फिर है यहाँ पर डैमेज डबल। फिर बात करते हैं ये वाला थीम है, ये वाला शार्क अटैक, जिसके एक्यूरेसी डबल है। फिर आइस ब्लू वाला है, जिसमें डबल डैमेज है। फिर वेट की बात करते हैं, सब तो हर किसी के पास होता है। XMAT मुझे ये वाला मिला है, जिसमें रेट ऑफ फायर प्लस है और लोड स्पीड प्लस। स्पेस 12 यहाँ पर सबसे पावरफुल है मुझे, जिसका नाम है विंटरलैंड, जो कि डबल रेट ऑफ फायर है, जो कि बंदे को टिकने नहीं देता है, ग्लू वॉल भी बिछाने नहीं देता, बहुत ही खतरनाक है, हवा में बातें करता है। बात करते हैं M60 की वाली, ये वाला स्किन है जो कि बहुत ही बेकार है, एक्यूरेसी डबल वाला। फिर बात करते हैं P90 की। P90 भी बहुत ही मस्त है, डबल रेट ऑफ फायर और डैमेज, बहुत ही तड़का, मतलब ये ड्रेक लगता है इससे। फिर M494 की बात करते हैं,
ये वाला मुझे मिला है इवेंट से जिसमें डायमंड यूज़ करने थे, तो फिर ये डैमेज प्लस और एक्यूरेसी प्लस है। फिर प्राण कटाना की बात करते हैं तो लाइट पास का, ये लाइट पास का थीम है, ये भी थीम है। फिर M1887 ये मुझे मिला था इसमें स्टेप अप में जिसमें 900 डायमंड यूज़ करने पड़े। फिर बात करते हैं ग्रेनेड सीन बहुत है, ये वाला यूज़ करता हूँ मैं अभी। ये लाइट पास का है, ये भी लाइट पास का है शायद, और ये दूसरा वाला है। अब ग्लूवाल की बात करते हैं, ग्लूवाल में दो स्किन है, एक तो ये छोटा वाला वर्ल्ड कप वाला है और दूसरा है न्यूक्लियर वाला। मैं न्यूक्लियर वाला यूज़ कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये वाला बेकार है, छोटा है। तो इतनी थी मेरी वेपन्स में कलेक्शन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कौन सा वेपन मेरी कलेक्शन में पसंद आया और आप कौन कौन सा यूज़ करते हो और आपके पास कौन कौन सा है मेरी कलेक्शन में जो है। तो वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।